गुजरात से बिलोंग करती हूँ। 12th पास किया था बायोलॉजी था। बेस्ट एडवाइस है कि पीआर के मतलब पाथवे जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। होप आप सारे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं मेरे चैनल को। और आज मैं एक नई चीज़ शुरू करने लगा हूँ कि अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे टॉपिक्स दिखाऊं। सो रियल लोगों से मुलाकात करके उनके क्या कैनेडियन एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। और जब मैं बात कर रहा हूं कि रियल एक्सपीरियंसेस की, सो स्टूडेंट से बेटर कौन हो सकता है जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए कनाडा में, वो किस तरह आए, उनकी स्टार्ट कैसे हुई, उनकी जर्नी कैसे है, क्या उनकी स्ट्रगल्स हैं, तो उनकी स्टोरीज जानेंगे। आज मेरे साथ है मेरी अच्छी फ्रेंड ज़रीन। सो ज़रीन वेलकम, ये मेरा पहला व्लॉग है और उस बारे में कि हम सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, सो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे उस बारे में। से हाई टू माय व्यूअर्स प्लीज। ओके ज़रीन, सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या कहते हैं आपका क्या प्रोसेस रहा कनाडा आने का, एक्सपीरियंसेस क्या रहे, तो वो जानना चाहूँगा आपसे। प्लीज़ बताओ अपने बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम ज़रीन है, मैं इंडिया गुजरात से बिलोंग करती हूँ, सूरत से। मैंने इंडिया में 12th पास किया था, बायोलॉजी था मेरा साइंस में, और फिर मैं कनाडा आई 2022 में। सितंबर इंटेक था मेरा, मैं अगस्त में आई थी। फिर मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स लिया था शेरिडन कॉलेज में। मैंने वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट किया और फिर मैं एडमिंटन शिफ्ट हो गई। अप्रैल इंटेक था मेरा टीचिंग असिस्टेंट कोर्स में। और जो मेरे सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस थी वो मेरी मैंने रिफ़ंड ले ली डेडलाइन से पहले, ताकि मेरा रिफ़ंड आ जाए और जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस हो वो वेस्ट ना हो। ओके, सो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। हाँ जी, कि आप पहले 12th साइंस में थे। यस, 12th साइंस करके आप ब्रैम्पटन गए। हाँ, ब्रैम्पटन में आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया। yes. और उसके बाद आप एडमिंटन मूव हो गए। yes. okay, मेरे व्यूअर्स को क्यूरियोसिटी होती है कि ग्रेड 12 के बाद आप क्या कर सकते हो, और वो ये जानना चाहते हैं कि आपने अगर वहाँ पे शेरिडन कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वो फ़ी ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताओ प्लीज़। Yes. मैंने कॉलेज में फ़ी ट्रांसफ़र की बात की थी तो कॉलेज वालों ने एक डेडलाइन दी थी मुझे कि इस एक वीक का टाइम पीरियड दिया था मुझे, तो वो वीक के पहले मुझे उनको इन्फॉर्म करना था कि मैं मेरा डिसीजन पे श्योर हूँ कि नहीं, ताकि वो रिफ़ंड की प्रोसेस करें। उन्होंने बोला था कि जिस अकाउंट से आपने फ़ीस पे की हो शेरिडन कॉलेज में, लाइक अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, तो जो सारी रिफ़ंड है वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में इंडिया चली जाएगी, स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं आएगी। ओके, दिस इज़ अ न्यू न्यूज़ थिंग फॉर मी कि भी ऐसा होता है। और उसके बाद में आपकी जो कुछ बैलेंस फीस थी वो फिर आपने एडमिंटन में पे की फॉर योर न्यू कोर्स। यस, मेरी GIC जो थोड़ी बहुत सेव की थी मैंने, तो उससे मैंने मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मैंने GIC से, और मेरी सेविंग्स थी थोड़ी, तो उससे मैंने मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी थी। ओके ज़रीन, सो जब आप कनाडा आए तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में बताओ प्लीज़। पहले तो जब भी मैं आई तो ब्रैम्पटन में थी मैं, तो पहले तो बहुत होम सिकनेस था, बहुत रोना धोना हो गया था। फिर जॉब लग गई मेरी, जल्दी ही जॉब लग गई थी, टचवुड की बहुत जल्दी जॉब लग गई थी। फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट किया, फिर मैं मिली एक इमिग्रेशन एजेंट ने, तो वो लेडी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत ही लाइक अच्छी सी एडवाइस दी और फिर गाइडेंस दिया। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आप प्लस टू के बाद आए हो तो आपको मे बी PR में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लाइक पॉइंट्स नहीं बनेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि आप ऑन्टेरियो में स्टडी कर रहे हो, कोर्स तो नो डाउट अच्छा है ही, लेकिन उसमें ऐसा रहेगा कि अगर आप प्रोविंस चेंज करो लाइक अल्बर्टा या फिर कोई भी प्रोविंस ले लो, तो वहाँ पे ना PNP करके एक चांस है लाइक PR के लिए एक मेथड है, तो उसमें अगर हम स्टडी करेंगे वो प्रोविंस में तो हमें लाइक स्टडी के पॉइंट्स भी मिलेंगे, और फिर हमें IELTS दे के फिर पहले PNP और फिर एक्सप्रेस, ऐसे करके हमें PR के मतलब पाथवे जो है वो थोड़ा ईजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑन्टेरियो में रहे तो। तो फिर ऐसा हुआ था, फिर मैंने कहा कि ओके, तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए भी हेल्प की थी और फिर मेरे रिफ़ंड की भी उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि आप ना कॉलेज में पहले पूछ लो कि कौन सी डेडलाइन है रिफ़ंड की, ताकि आपकी फ़ीस जो है वो वेस्ट ना हो। तो फिर मैं उस वजह से फिर मैं इधर अप्रैल में शिफ्ट हो गई, मेरा अप्रैल इंटेक मई इंटेक था, इसलिए मैं इधर अप्रैल में एडमिंटन में शिफ्ट हो गई। तो आपने कितने टाइम पढ़ाई की ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में बताया ना आपने। Yes. मैंने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया था केमिकल लैब टेक्नीशियन का, और फिर मैं इधर शिफ्ट हो गई। तो कितना टाइम लगा आपको प्रोसेसिंग में, फीस ट्रांसफ़र में, इन चीज़ों में? हाँ,
अराउंड वन मंथ जितना मुझे लगा था इधर लाइक एडमिशन का ऑफर लेटर से लेके सब कुछ इधर शिफ्ट करने में और फीस वगैरह पे करने में इधर की डेडलाइन और वो जो सारे जो रिक्वायरमेंट्स थे वो कंप्लीट करने में मुझे अराउंड वन मंथ जैसा लग गया था। तो कोई पैसे का नुकसान हुआ या इजी ट्रांसफर था या पैसे बच गए ऐसा कुछ वो बताओ। हाँ नहीं वो तो लाइक इजी ट्रांसफर ही था उसमें वेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं हुआ बस वही था जो रिफंड थी वो पेरेंट्स के अकाउंट से पे की थी तो वो पेरेंट्स के अकाउंट में ही गई इंडिया ही गई जो मेरी रिफंड थी शेरडन वाली वो। ओके मैं GIC के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चंस होते हैं मन में जो आना चाहते हैं यहाँ पे कि GIC कैसे वर्क करता है। GIC लाइक मैं आई थी 2022 में तो वीज़ा फाइल अगर हम रखते हैं स्टूडेंट की तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है GIC तो पेरेंट्स जो है वो GIC देते हैं स्टूडेंट के अकाउंट में ताकि अगर किसी स्टूडेंट को ऑन द स्पॉट जॉब ना मिले या जॉब लाइक एक दो महीने के बाद मिले तो वो उनका जो बेसिक लाइक ग्रोसरी है रेंट है वगैरह जो है वो जो GIC है उसमें से पे कर सकते हैं। GIC जो है ना वो हमें हर मंथ मिलती है वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी बैंक है लाइक स्कोशिया वाले अलग अमाउंट देते हैं वैसे ही जो हमारी अलग अलग बैंक है वो अलग अलग अमाउंट हमें देते हैं ताकि वो हमें हर मंथ मिलती रहे ताकि अगर जॉब ना मिले तो उतना हेडेक ना हो कि भाई हमारे पास रेंट पे करने के लिए या फिर ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है वगैरह। तो जब आप आए थे GIC लगभग कितनी थी और आज की डेट में लगभग GIC आई थिंक 18,000 समथिंग हो गई आपके टाइम में कितनी थी। मेरे टाइम में अराउंड $10,000 जितनी थी। सो दो साल पहले सिर्फ 10,000 की GIC होती थी जो अब लगभग 18,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है। सो जस्ट अपडेट है कि भी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको अब एक चीज़ पता लग गई है कि GIC से आपको एक मंथली आपको अमाउंट मिलता है ताकि आप अपनी स्टडी कर सको रेंट पे कर सको ग्रोसरी जैसे जरीन ने बताया। जरीन मैं ओंटेरियो स्पेसिफिकली ब्रैम्पटन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके स्टडी एक्सपीरियंस का बिकॉज ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहले GTA ब्रैम्पटन में ही आते हैं या मिसिसागा में आते हैं थोड़ा सा उस बारे में बताओ आपका रेंट आपकी ग्रॉसरीज आपकी स्टडी आपका कम्यूट कुछ भी। एक्चुअली मैं ब्रैम्पटन में लाइक ब्रैम्पटन में मैंने पहले से मेरी स्टडी थी तो मैं वहाँ रही हूँ तो मुझे लगा है और फिर दोनों की अगर कंपेरिजन करूँ तो एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन अल्बर्टा में ठंड ज़्यादा है लेकिन जो सेविंग है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन राइट फ्रॉम रेंट टू कॉलेज फीस टैक्स भी अगर टैक्स का भी हम देखें तो ऑन्टेरियो में लाइक 13% है और इधर तो 5% है रेंट ग्रोसरी सब कुछ लाइक वहाँ से यहाँ अगर कंपेयर करना हो ना तो सेविंग ज़्यादा रहेगी। तो आपको अल्बर्टा ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ okay. ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह है तो वहाँ चिल आउट करने हम वीकेंड्स पे जा सकते हैं जाते हैं वैसा था तो ज़्यादातर सेविंग नहीं रहती थी लेकिन इधर ऐसा नहीं है हम वीकेंड पे चिल करने भी जाते हैं लेकिन सेविंग रहती है वहाँ से तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इधर हम एंजॉय करें तो भी सेविंग रहती है वहाँ जैसा नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस कम्यूट का कैसा था वहाँ पे कार थी या बस से जाते थे या ट्रेन से जाते थे कैसा था या जॉब की वहाँ पे कोई। हाँ लाइक एक तो मेरी बेस्ट एडवाइस है कि अगर हम स्टूडेंट हो तो कार के लिए फर्स्ट मूव नहीं करना चाहिए कार तो लेनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे सेविंग है वो कार में चले जाएंगे इंश्योरेंस वगैरह पे करने में तो स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो तब हम कार ले तो फिर चलेगा ताकि हमें फीस का और वगैरह हेडेक ना रहे तो यही है लाइक वहाँ पे मैं बस में ट्रैवल करती हूँ इधर भी बस में ही ट्रैवल करती हूँ अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ तो मेरा अभी फ़िलहाल तो कार लेने का कोई प्लान है नहीं स्टडी मेरी ख़त्म होगी उसके बाद मैं कार के लिए सोचूंगी। दैट्स अ गुड एडवाइस कि भाई स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकली इन्होंने देखा है वो आपको बता रहे हैं। और रेंट वगैरह का क्या हिसाब होता था वहाँ पे लगभग रेंट वगैरह लाइक इधर हम अराउंड 150-200 का डिफरेंस हो जाता है इधर लेस है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन में रेंट ज़्यादा है इधर थोड़ा कम है। घर ढूंढना इजी है वहाँ पर ब्रैम्पटन में या किराए पे या यहाँ पर इजी है। हाँ वो तो लाइक रेफरेंस है या फिर जो ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर हम ज्वाइन करें रेफरेंस या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो फिर वैसे मिल जाता है। जिसका कोई फ्रेंड ना हो वो किस तरह से घर ढूंढता है यहाँ पे। वो तो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह होती है KGG करके वगैरह तो उसमें से हमें मिल जाता है। जरीन जैसे आपने बताया कि आप प्लस टू करके आए तो प्लस टू के बाद जब आप आए थे उसके बाद काफ़ी सारे रूल्स चेंज हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर तो आप कुछ एडवाइस दो या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि ये आपका किस तरह से प्रोसेस रहा प्रोग्राम कैसे चूज़ किया। मैं जब आई थी तब तो लाइक उतना रश नहीं था कि अभी रश है लाइक लास्ट वीक मैं ब्रैम्पटन गई थी मेरा वैकेशन था
तो फिर मैं गई थी वहाँ पे, मैंने देखा कि बस के लिए भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा रश हो गया है इंडियन कम्युनिटीज़ का। ज़्यादातर हम लोग अपनी ही लैंग्वेज में बात करते हैं और वहाँ पे इतना रश है कि अभी तो लोगों को लाइक सिक्स से सेवन मंथ तक उनको जॉब ही नहीं मिल रही। अच्छा। तो ज़्यादातर वो लोग डिप्रेशन में वगैरह, क्योंकि विंटर जो है वो वैसे भी ऐसा ही होता है, लाइक विंटर तो है ही थोड़ा डिप्रेशन टाइम जैसा, तो ऊपर से उस टाइम पे हमें जॉब ना मिले तो घर पे लोग वैसे ही डिप्रेस वगैरह हो जाते हैं। तो अभी भी मैंने देखा कि वहाँ पे जॉब मिल ही नहीं रही है। जैसे आपने बताया कि आप प्लस टू के बाद में पढ़ाई के लिए कनाडा आ गए, तो कुछ उस बारे में अपने बताइए एक्सपीरियंस की भी, आपका कैसा रहा, मतलब आपने कहाँ से फाइल शुरू की, किधर गए, वो ज़रा बताओ प्लीज़। पहले तो लाइक मेरा बहुत पहले से सपना था इधर आने का, तो मैं सीधा प्लस टू के बाद आ गई। रिसर्च वगैरह मैंने कुछ किया नहीं था इंडिया में, एक तो वीज़ा मिलने की खुशी थी तो वैसे ही भूल गई मैं, तो फिर इधर आ गई। फिर इधर मैंने फर्स्ट सेम कंप्लीट किया, फिर मैंने इमिग्रेशन में कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस की कि आप प्लस टू के बाद आए हो तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप प्रोविंस चेंज कर रहे हो तो आप 2 साल का कोर्स ले लो इंस्टेड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि अगर हम 2 ईयर्स का कोर्स लेंगे तो हमें 3 ईयर्स की वर्क परमिट मिलेंगी और वो अच्छा भी रहेगा, लाइक हमारे पॉइंट्स भी बन जाएंगे एज कम्पेयर टू 1 ईयर। क्योंकि मैंने 12th, सॉरी काट रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने बताया कि आपके टाइम में था, क्योंकि अब तो 2 ईयर 2 ईयर्स का अगर आप कोर्स लेते हो तब भी कई बार आपको यहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा अभी के रूल्स के हिसाब से, पर आपको तो मिलने वाला है ना? यस, मुझे मिलने वाला है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है अभी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जिनको मिलेगी वर्क परमिट, और थोड़ी बहुत जो है उनको नहीं मिलेगी। ओके। फिर मैं इधर आ गई, उन्होंने मुझे बोला, और इधर आके मुझे कुछ मतलब रिग्रेट्स वगैरह भी नहीं हुआ कि मैंने वैसे ही आ गई, सोचा वगैरह कुछ नहीं। और इधर आके मुझे लगा भी कि हाँ यही मेरा सही डिसीजन था, एटलीस्ट मैं जब इंडिया में थी तब मैंने गलती की थी रिसर्च ना करके, लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा रिसर्च वगैरह किया तो अभी मुझे लगा कि हाँ ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। तो कम से कम मतलब आपको कनाडा में आके करेक्ट एडवाइस आपको मिल गई कि आप अपना प्रोविंस चेंज कर लो या अपना कोर्स चेंज कर लो। हाँ। आपकी क्या एडवाइस है जो स्टूडेंट्स इंडिया से आना चाहते हैं उनको, क्या एडवाइस देना चाहोगे इंडिया से प्लस टू के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? इंडिया के बाद जो भी आए तो पहले तो मेरी जैसी गलती ना करे कि रिसर्च वगैरह ना करे, कि जाना है करके उसकी एक्साइटमेंट तो होती ही है नो डाउट, लेकिन उस एक्साइटमेंट को साइड में रख के प्रैक्टिकली अगर सोचे तो रिसर्च कर ले कि कौन से प्रोविंस में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, उसकी कितनी जॉब की लाइक डिमांड है, कितनी अवेलेबिलिटी है करके, तो वो पहले रिसर्च कर ले। अगर वो कोई भी प्रोविंस में चले जाए और वहाँ पे अगर उनकी जो पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फिजियो या फिर कोई भी डिग्री कर रहे हैं उनकी लाइक डिमांड ही ना हो तो फिर वहाँ जाके कोई फ़ायदा है नहीं। ओके। सो बेसिकली अपनी रिसर्च करके आओ कॉलेज की, स्टडीज़ की, प्रोग्राम की। प्रोग्राम चूज़ करना कितना इजी है, कितना मुश्किल है कनाडा में? वो हमारे रिजल्ट पे, लाइक मैंने प्लस टू किया था तो मेरे रिजल्ट पे था कि मार्कशीट जो होती है हमारी उसमें था कि कौन से जो कोर्स है उसके लिए मैं अवेलेबल, लाइक मेरी जो रिक्वायरमेंट है स्कोर की वो मेरी मिक्स हो रही है उनके साथ। अगर मैंने बैचलर किया होता तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती, और मास्टर किया था तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी। मैंने इधर 12th के बेस पे एडमिशन लिया है तो मेरी जो मार्कशीट थी उसके ऊपर जो स्कोर था उसके ऊपर से मुझे 4-5 कोर्स मिले थे। मुझे बताया था उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने इंडिया, कि इतने कोर्स है तो आप बताओ कि आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है, तो फिर मैंने बोला था कि ये वाले कोर्स में अप्लाई करना है। ओके जरीन, सो जैसे आपने मेरे को अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी शेयर किया स्टडी का या जॉब सर्च का, जो इंडिया से स्टूडेंट्स अभी प्लस टू के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं, आपकी उनको क्या एडवाइस है? अभी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले थोड़ा सा देख ले, रिसर्च वगैरह कर ले, या फिर अगर हो सके तो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि रूल्स जो है वो लाइक ऐसे ही चेंज हो रहे हैं, लाइक 1 वीक में 2 वीक में रूल्स चेंज हो रहे हैं, और मे बी नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन है तो शायद कोई रूल वगैरह चेंज हो, तो अगर ऐसा हो तो वो लोग लाइक वेट करें ना तो बेटर रहेगा, अभी आए उससे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ही रश है। इन्होंने बड़े काम की बात बोली है कि अभी वेट कर लो, रूल्स बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने खुद ही बता दी है कि अगले साल कनाडा में फेडरल इलेक्शन होना है, तो उसके बाद में हो सकता है कुछ और रूल्स भी चेंज हों, सो आप अगर प्लान कर रहे हो कनाडा स्टडी का तो थोड़ा रुक कर देख कर अपनी रिसर्च करके फिर आओ।